हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे हार श्रृंगार के फूल, जिनको हम अपराजिता के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, ये फूल सफ़ेद रंग के होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, और ये एक रामबाण औषधि है। आप लोगों को शायद अभी तक पता नहीं होगा, ये जो फूल हैं दोस्तों, इनके चाय बनाकर पीने से हमारे शरीर में किसी भी प्रकार का दर्द हो, चाहे वो गठिया बा हो, चाहे वो कितना भी पुराना दर्द क्यों ना हो, सारे दर्दों के लिए ये एक रामबाण औषधि का काम करती है। आज हम सीखते हैं कि इन फूलों की चाय कैसे बनानी है। सबसे पहली बात दोस्तों, आपको ये ध्यान में रखनी है कि आपको इसका प्रयोग कम से कम 3 महीने ज़रूर करना है। सुबह खाली पेट ये चाय पीनी है आपको। आपको फ़र्क 10 से 12 दिन में ही महसूस होने लगेगा। चलिए अब हम शुरू करते हैं इसकी चाय बनाना, कि हमें किस प्रकार इन फूलों को धोना है। सबसे पहले तो आप एक कटोरी में फूल रखेंगे, उसमें ठंडा पानी डालेंगे और हल्के हाथों से रगड़कर इन फूलों की जो गंदगी है, मिट्टी है, वो साफ़ करेंगे। फिर एक पतीले में 1.5 गिलास के करीब पानी लेंगे और अपने धोए हुए फूलों को उस पानी में डाल देंगे। यकीन मानिए, चाहे आप कितनी भी समय से दवाइयाँ ले रहे हों, आपको दवाइयों को लेने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी, क्योंकि इन फूलों की चाय जो असर करती है दोस्तों, वो बहुत ही रामबाण तरीका है अपने शरीर के सारे दर्दों को जड़ से ख़त्म करने का। आप इन फूलों को ये देखिए, ये इसके पत्ते हैं, और हम इन पत्तों को भी अच्छे से कूट लेंगे, मैश कर लेंगे, ताकि इन पत्तों का जो रस है, जूस है, वो भी हम अपनी चाय में मिला सकें। इस तरीके से हम अपने पत्तों को अच्छे से कूटेंगे, ताकि इनका जूस अच्छे से निकल सके, अच्छे से ये ग्राइंड हो जाए, और फिर हम इन पत्तों को इस चाय में मिला देंगे। तो हमने फूलों के साथ साथ 2-4 पत्तियों का भी इस्तेमाल करना है। कितना भी पुराना दर्द हो दोस्तों, ये चाय वाकई में सारे दर्दों को हटा देगी, मिटा देगी, जड़ से ख़त्म कर देगी। आपको इसे रोज़ पीना है। हम थोड़ी देर तक, 5 से 7 मिनट तक इस चाय को उबाला देंगे, और इसमें कुछ तुलसी के पत्ते या तुलसी के बीज डालेंगे दोस्तों, क्योंकि तुलसी भी आपको पता है एक दवाई की तरह काम करती है, एक बहुत ही पुरानी मानी जानी औषधि है। तो अगर आपके घर में तुलसी का पौधा है, तो आप तुलसी के 2-3 पत्ते इसमें ज़रूर डालें। उससे आपकी शरीर को ताजगी मिलेगी और ये चाय और ही ज़्यादा स्वादिष्ट भी लगेगी आपको। इस तरीके से अपनी चाय को हमें उबालते रहना है। सारे जो रस है, जो फूलों का रस है, पत्तों का रस है, तुलसी के पत्तों का रस है, वो इसमें आ जाना चाहिए, और फिर मीडियम फ्लेम पे हम इसको 5 से 7 मिनट तक उबालते रहेंगे। आप देख सकते हैं कि पानी का रंग बदल गया है, क्योंकि उसमें सारे जूस आ चुके हैं, सारे रस आ चुके हैं, और जो पानी है वो बहुत कम भी हो गया है। थोड़ी देर में हम अपनी गैस को बंद कर देंगे, और आप देख सकते हैं कि कैसे हमारा पानी एक येलोइश कलर में बदल चुका है। अब हम इस पानी को छान लेंगे। ये पानी करीब 1 गिलास के करीब बचा है। ये देखिए, ये रामबाण चाय हमारी तैयार है। हमें रोज़ सुबह खाली पेट इसको पीना है, और 10 से 15 दिन में दोस्तों आपको फ़र्क महसूस होने लगेगा। आप इसको ज़रूर बनाइए और पीजिए। डू सब्सक्राइब द चैनल टू स्टे अपडेटेड।